नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल, दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बताया मौन की बात। यूपी सीएम योगी को मिली जान से मारने की धमकी। जदयू में आ रहे टूट के रुझान। चुनाव से पहले क्या बिहार में कांग्रेस हो पाएगी तैयार। राहुल गांधी ने लालू यादव को बताया अपने फेवरेट सेफ। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश की राजनीति की खबरों की ओर विस्तार से। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बताया मौन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड के बारे में प्रचार करने के लिए पीएम की शक्तिशाली पीआर मशीन ओवरटाइम कर रही है। इस बीच मौन की बात अदानी चीन सत्यपाल मलिक के खुलासे, एमएसएमई की तबाही और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी है। बता दें कि प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाली है। इस पर देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। पुष्पम प्रिया नीतीश कुमार पर हुई हमलावर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी द्वारा निशाना साधा गया है। दरअसल उन्होंने पटना एयरपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा और एयरपोर्ट की स्थिति पर सवाल खड़े किए। दरअसल अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एयरपोर्ट की तुलना रेलवे स्टेशन से की और बताया कि एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन से भी बदतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी छोड़िए, यदि देशी फ्लाइटें भी यहां लैंड करें तो नास्तिकों को ईश्वर याद आ जाए। इससे पहले भी पुष्पम प्रिया बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख चुकी हैं। खुद को मुख्यमंत्री की कैंडिडेट बताने वाली पुष्पम प्रिया यह भी कह चुकी हैं कि बिहार को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसका विजन हमारे पास है। साथ ही वे यह भी कह चुकी हैं कि सत्ता परिवर्तन ही बिहार के विकास का एकमात्र उपाय है। यूपी सीएम योगी को मिली जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। धमकी मिलने की खबर जैसे ही अधिकारियों को मिली, वैसे ही यूपी एटीएस के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल की रात को डायल 112 से उन्हें धमकी भरा मैसेज मिला था। मैसेज में आरोपी ने लिखा था कि योगी सीएम को मार दूंगा जल्दी। अब इस मामले को लेकर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मामले की छानबीन शुरू की जा चुकी है। छानबीन में यह जानकारी सामने आई है कि मोबाइल नंबर किसी रेहान नाम के शख्स के रजिस्टर्ड है। अब इस शख्स को ट्रेस करने में पुलिस की स्पेशल टीम लगी हुई है। पीएम पद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर कसा तंज। सीतामढ़ी के एक कार्यक्रम में सोमवार के दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां वे कार्यक्रम समापन के बाद मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करते नजर आए। बातचीत के दौरान वे नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। दरअसल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, राजनीति में अब उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है और इस बात का उन्हें भी पूरा एहसास है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के पार्टी को लेकर कहा कि जिस पार्टी में नीतीश कुमार है अब उसका कोई आधार नहीं बचा है। साथ ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर के अलग अलग राज्यों से पीएम पद के लिए दर्जन भर कैंडिडेट हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इन दो उम्मीदवारों के पास है सबसे अधिक संपत्ति। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। साथ ही नामांकन की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी की जा चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों द्वारा अपने कुल संपत्ति की घोषणा नामांकन दाखिल करते समय की गई, जहां 100 करोड़ से भी अधिक बीजेपी के दो उम्मीदवारों की संपत्ति सामने आई। सबसे अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवारों में निखिल कट्टी और बीवाई विजेंद्र शामिल है। बता दें कि ये चुनावी मैदान में हुक्केरी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से उतरे हैं। इन्होंने लगभग 116 करोड़ रुपयों की संपत्ति अपने चुनावी हलफनामे में घोषित की है। वहीं बीवाई विजेंद्र सिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन्होंने कुल 103.39 करोड़ की संपत्ति अपने चुनावी हलफनामे में घोषित की है। जदयू में आ रहे टूट के रुझान। जहां नीतीश विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल नीतीश पर आरोप लग रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जंगलराज के खिलाफ जाकर सत्ता में आज आए, वही नीतीश कुमार जंगलराज के कर्ता धर्ता के गोद में जा बैठे हैं। उनके इस फैसले से कई आम कार्यकर्ता में नाराजगी देखी गई। जदयू के नेता सुमन पटेल द्वारा कहा गया कि हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में सड़क पर उतरकर जंगलराज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। तब कहीं जाकर बिहार
बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली है। उन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी का लोभी बताते हुए कहा कि वे कुर्सी के लालच में जंगल राज के नायकों की गोद में जा बैठे हैं। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता ठगे महसूस कर रहे थे, इसलिए अब हम लोग जदयू से त्याग पत्र देने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करेंगे। जदयू नेता ललन सिंह ने मायावती पर किया पलटवार। बिहार सरकार के फैसले जो बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन के रिहाई को लेकर किए गए हैं, इस फैसले को लेकर सियासत का पारा काफी चढ़ा हुआ है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी नीतीश कुमार को दलित विरोधी करार दिया था। उनके इसी आरोप को लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा पलटवार किया गया है। दरअसल ललन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी। बीजेपी को यह पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार के सुशासन में आम व्यक्ति और खास व्यक्ति में कोई अंतर नहीं किया जाता है। आनंद मोहन ने पूरी सजा काट ली और जो छूट किसी भी सजायाफ्ता को मिलती है वह छूट उन्हें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान किया हुआ था। नीतीश कुमार ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया और एक रूपता लाई और उनकी रिहाई का रास्ता प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार ने कही ये बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में सोमवार को मुलाकात की। आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकजुटता की कड़ी में यह मुलाकात काफी मायने रखती है। मुलाकात के बाद सोमवार के दिन लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार से कई बातों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर उन्होंने कहा कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं देश के हित में काम करूंगा, अन्य लोग भी होंगे और हम बैठकर फैसला करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई मंशा नहीं है। विपक्षी एकजुटता के लिए राजद ने बताया क्या है सबसे बड़ी चुनौती। विपक्षी को एकजुट करने के ख्याल से सीएम नीतीश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से मिले थे। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों के ही तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। इसके बाद आरजेडी पार्टी भी काफी उत्साहित देखी गई। दरअसल शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी द्वारा नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि विपक्षी एकजुटता के लिए बिहार में बैठक बुलाने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ टीएमसी सपा और केसीआर को लाने की असल चुनौती है, कांग्रेस द्वारा भी पहल की गई है। ऐसे में एकजुटता के लिए सभी दलों को बड़ा दिल दिखाना होगा। राहुल गांधी ने लालू यादव को बताया अपने फेवरेट से। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद वे राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में बने हुए थे, लेकिन इन दिनों राजनीति से हटकर एक फूड ब्लॉगर को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कई खुलासे किए हैं। अब इंटरव्यू एक फूड ब्लॉगर को दिया गया था तो जाहिर सी बात है कि खुलासे खाने से ही संबंधित होंगे। दरअसल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जहां उन्होंने अपने फेवरेट शेफ की जिक्र की। जब उनसे पूछा गया कि राजनीति में उनके फेवरेट शेफ कौन है तो उन्होंने अपने फेवरेट शेफ का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनके फेवरेट शेफ में से एक हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चर्चा भी की और कहा कि वे भी अच्छा खाना बनाती हैं। 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन को मिली खुशखबरी। बेटे के सगाई को लेकर आनंद मोहन अभी हाल में ही पैरोल पर जेल से बाहर आए थे, लेकिन अब उन्हें बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार द्वारा मोहर लग चुकी है। इस मामले को लेकर नोटिफिकेशन कल शाम को ही जारी कर दिया गया था। अब इस मामले में कागजी प्रक्रिया बची हुई है। जैसे ही कागजी प्रक्रिया खत्म होती है वैसे ही आनंद मोहन को जेल से स्थायी तौर पर बाहर कर दिया जाएगा। बता दें कि बेटी की सगाई को लेकर वे 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए हुए थे। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा कानून में संशोधन कर बिहार कारावास 2012 के नियम 481(1) में बदलाव किया गया था। बदलाव के बाद ही आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता साफ हुआ था। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर कसा तंज। सम्राट चौधरी पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा हमला बोला गया है, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की चर्चा करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सम्राट चौधरी जी को देख लीजिए जो अमर्यादित भाषा बोलते हैं। साथ ही नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी द्वारा किए गए बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि वे जो बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, किन को मिटा देंगे, जिन्होंने बिहार को ऊंचाई पर पहुंचाने में गौरव प्राप्त करवाने में अहम भूमिका निभाई है। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास की नींव रखी है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में जो जितना गाली देता है उसको उसी हिसाब से प्रमोशन मिलता है। चुनाव से पहले क्या बिहार में कांग्रेस हो पाएगी तैयार। बिहार की सभी पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस मामले में पीछे है।
दरअसल पार्टी के अंदर खींचतान होने के वजह से कांग्रेस की अब तक प्रदेश समिति ही बन पा रही। अखिलेश प्रसाद सिंह को करीब 5 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान द्वारा प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसे में यह दिखने लगा था कि कांग्रेस अपने खोई जमीनी पहचान को फिर से पाने की कोशिश में लग चुकी है। कांग्रेस में कमेटी नहीं बनने की वजह से कांग्रेस में गुटबाजी को हवा मिलने की बात भी सामने आई है। कुछ नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि पार्टी में कमेटी का गठन आसान नहीं है, क्योंकि जहां युवा कांग्रेस किस कमेटी में जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इनसे दोगुने वर्ष के लोग भी अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि यह जानकारी भी सामने आई है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश सिंह को मिली है, तब से पार्टी की सक्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व में इस दिन होगी विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल का कुछ असर अब दिखने लगा है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि देश के 19 विपक्षी पार्टियों की संयुक्त बैठक मई के महीने में हो सकती है। बता दें कि यह बैठक विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के तरफ से बुलाई जाने वाली है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद 19 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने वाले हैं। चुनाव के बाद कभी भी कांग्रेस की पहल में यह बैठक बुलाई जा सकती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। भारत की प्रगति उसके किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों की प्रगति पर निर्भर करती है। बता दें कि यह बात बेलगावी जिले के रामदुर्ग में गन्ना किसानों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी के तरफ से कही गई थी। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्ट भाजपा शासन के चलते उनके लिए उत्पन्न दिक्कतों के बारे में जानकारी मिली, जिसका ध्यान केवल अपने 2-3 मित्रों की मदद करने पर केंद्रित है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों और छोटे व्यवसायियों को संरक्षित और सशक्त किया जाना चाहिए, न कि भाजपा की GST जैसे त्रुटिपूर्ण नीतियों के चलते उन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। वहीं अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास की ऐसी कहानी लिखने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी के लिए समृद्धि लाए। साथ ही कर्नाटक चुनाव से पहले प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक यह बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है, उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, बिट्टू कुमार राज, दयाशंकर प्रसाद, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, महेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी और अंशुप्रिया। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इन दिनों कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।